खबर रीवा जिले से है, जहां एक ऐसी तस्वीर सामने आई है और लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर यह वीडियो में पत्रकार वार्ता कर रहे व्यक्ति कौन है। तो आपको बता दें कि यह व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह बराज हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके नाम विश्व रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह विश्व के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति हैं हाइट में, और यह भी बताया जा रहा है कि एशिया में सबसे लंबे हैं। आपको बता दें कि इनकी हाइट के संबंध में जानकारी मिली है कि 8 फुट 1 इंच के हैं, जो कि एशिया में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं, जो कि सतना में 4 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहाँ रीवा से निकलने के दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता की। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ जानकारी साझा की है। अपने रीवा से निकलने के दौरान उन्होंने भगवान महामृत्युंजय के दर्शन भी किए और उसकी भी जानकारी साझा की है। कभी फिल्म या टीवी सीरियल में कोई ऑफर मिला काम करने का? हमारे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एक फिल्म बन रही है शक्तिमान, जो हमारे महाभारत के भीष्म पितामह जी हैं, मुकेश खन्ना जी हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक प्रतिज्ञाधारी पुरुष हैं और पितामह की ही तरह आज जो है भीष्म पितामह की ही तरह प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उन्होंने शादी नहीं किया। वो हमारे एक जय हिंद अभियान टीम में मार्गदर्शक हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह जी हैं, और ऐसी कई शख्सियत हैं जो हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम हमारे साथ उनके साथ हम भी साथ जुड़े हुए हैं, और उनके ही डायरेक्शन में या जो भी मार्गदर्शन में कह सकते हैं शक्तिमान फिल्म बन रही है। तो मुकेश खन्ना जी ने हमको आश्वासन दिया है कि धर्मेंद्र जी आपको हाइट और आपसे जुड़ा हुआ कोई रोचक किस्सा। हाइट से जुड़ा हुआ कोई रोचक किस्सा मतलब ऐसे ही है, सब जीवन से भी कोई जुड़ा हुआ ऐसा रोचक मतलब नहीं, ऐसा कोई रोचक किस्सा नहीं है। पत्रकारों की तरफ से, क्योंकि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं, इसके साथ ही हमारे हिंदुस्तान की तरफ से आप एशिया में सबसे लंबे व्यक्ति होने के मामले में धारी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रीवा की तरफ से। कुछ सवाल हम करना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं और थके भी होंगे, और इस बीच में हो सकता है कई परेशानियां भी होंगी। बचपन तो बचपन होता है, और खेलते कूदते खाते पीते थोड़ी बहुत पढ़ाई करते दिन बीत जाता है। कभी अखाड़ा कूद रहे हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी गोली खेल रहे हैं बच्चे, जो बच्चों की क्रिया होती है। तो बचपन सभी का एक जैसे होता है करीब करीब, उसमें कोई जात पात ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है। भारत देश में महाबली खली के नाम से एक प्रसिद्ध है पहलवान, हैवीवेट फाइटर, और आप भी लंबाई में काफ़ी हैं, मतलब तुलनात्मक हम दोनों को एक तरह से देख सकते हैं देश के लिए। जी जी, कभी मुलाकात हुई उनसे आप? खली जी से मुलाकात हुई है, और भाई वेट लिफ्टिंग के जो है महानायक हैं, तो उनका भी क्षेत्र अपना अलग है। वो वेट लिफ्टिंग के महानायक है, तो हम लंबाई के महानायक हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ रीवा की जनता को आप? हर जनता, हर व्यक्ति खूब जागरूक है, खूब समझदार है, स्वयं की उनकी अपनी लाइफ होती है, पूरी इंडिपेंडेंसी होती है। इतना कहना चाहूँगा कि नशों से दूर रहें, शिक्षित बने, और अपने देश के लिए एक महान नागरिक बने। अभी हम लोग गए थे, हमारे साथ में संजय सिंह बघेल जो शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्हीं के तत्वाधान में सब हो रहा है, और राजा के किले में जो भगवान शंकर का जो मंदिर है, जहाँ पे रुद्राक्ष का शिवलिंग है, हम उसके दर्शन करके आ रहे हैं। भोलेनाथ का बड़ा अच्छा और विलक्षण दर्शन रहा प्रभु का, और उनका आशीर्वाद मिला, उनके चरण छुए और पूजा पाठ किया, फिर हम अभी आ रहे हैं। आपका रीवा सतना आना किस उद्देश्य से हुआ था? करीब 2 महीना पहले सतना के शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बघेल हमारे बगल बैठे हैं,
आपका फ़ोन आया जो है हमारे पास, तो इनके इनको जो है हमारे बारे में कुछ पता चला हमारे राजा भैया के यहाँ से जो है कि हमें थोड़ी समस्या थी जो है, एक दर्द था जो है, एक नस थी जो है इस कमर में, वो कहीं दब रही थी, छोटा सा ही था लेकिन परेशान कर रहा था। तो आपको पता चला तो आपने हमको फ़ोन किया कि हम जो है इधर हमारे सतना में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजधर मालवीय जी हैं जो आयल थेरेपी करते हैं, और उनकी पत्नी मांडवी मालवीय जी हैं जो प्राकृतिक ऊर्जा थेरेपी देती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा का संचार करती है पूरे शरीर में मंत्रोच्चार द्वारा, और महसूस होता है कि हाँ शरीर के अंदर कुछ संचालन हो रहा है। आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए क्योंकि कई सवाल हैं, जल्दी जल्दी बताएं। जी जी, अपना परिचय कहाँ से है? और हम आपको बता दें, हमारे रीवा के सभी प्रेस और मीडिया के सभी हमारे भाइयों से, आप सभी जानते होंगे कहीं ना कहीं हमारे बारे में सुना होगा, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एशिया का पहला स्थान पे सबसे लंबाई और विश्व में दूसरे स्थान पे सबसे अधिक लंबाई हम रखते हैं, और मेरा रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ लिम्का में, और मैं अपने प्रदेश से समाजवादी पार्टी का नेता हूं और स्टार प्रचारक हूं, और अपने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न रैलियों में पार्टी का काम करता हूं, और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहता हूं, और कई ऐसे समाज सेवा और अभियान से मैं जुड़ा हूं, जैसे बॉम्बे से हमारा एक जय हिंद अभियान संचालन होता है, जैसे हमारे क्रांतिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, कि उनके नाम को उपेक्षा मिल रही है गवर्नमेंट से, कहीं भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारे एक प्रबल और अथक परिश्रम करने वाले एक ऐसे हमारे शहीद सैनिकों के लिए हमारे जो है एक प्रकोष्ठ, एक समिति बनाया हुआ है सतना जिले में संजय सिंह बघेल ने, इनकी सेवा शहीद परिवारों को है, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, उनको कोई तकलीफ ना होने पाए, अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं होंगी जो समाज की सेवा, शहीद और क्रांतिकारियों की सेवा के लिए आगे हमेशा निरंतर काम करते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी चाहेंगे, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, ये सामाजिक और ये तो ठीक है। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, पहले मेरी शादी आती थी तो लंबाई ही मेरी मेन समस्या थी, लंबाई जो है, तो इसके तहत जो है लंबाई जो मेरी मेन समस्या थी, शादी के आड़े आ रही थी, चूँकि लड़की की हाइट इतनी नहीं होती है और मेरी हाइट 7-7.5 फीट 8 फीट के करीब हो गई, इस वजह से शादी तो खैर थोड़ा दिक्कत समस्या आई, लेकिन अभी मेरा शादी से भी मूड हट गया है, केवल समाज सेवा करने का है। लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई मेरी 8 फीट 1 इंच है। आप किस बीमारी से पीड़ित हैं अभी? नहीं, अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कमर में मेरी एक नस दब रही थी तो वो थोड़ा तकलीफ दे रही थी हमको, तो यहाँ पे सतना जिले में डॉक्टर राजधर मालवीय जी हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कभी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, उनको 2002 में और 6 महीना चाइना में रह के आप जो है इधर थेरेपी का ज्ञान अर्जन भी किया है, तो वहाँ से हमको काफ़ी रिलैक्सेबल महसूस हुआ, मेरा तकलीफ जो था 5 दिन की थेरेपी उन्होंने ड्यू डेट रखा हुआ था, 5 दिन में एकदम ठीक हो गया मैं, और अभी आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लंबाई बढ़ना जब शुरू हुआ तो आपको बचपन से लेकर कुछ ज्ञान तो रहा होगा कि कितनी उम्र से आपकी तेजी से लंबाई बढ़ने लगी जो सामान्य लंबाई से अधिक? कहीं लंबाई तेजी से नहीं बढ़ी है, लंबाई जो है एक निरंतर प्रक्रिया में थी, जैसे एक आम बच्चे की बढ़ती है
वैसे ही खेलते कूदते खाते पीते मैं आपके साथ ये खेल रहे हैं, बचपन से आपके साथ ही हैं, तो इनकी अपेक्षा आपकी ज़्यादा तेज से बढ़ती रही होगी? नहीं, ज़्यादा तेज नहीं, ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे हमारी उम्र के बच्चे थे तो उनसे हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी थोड़ा सा। परिवार में भी आपके अलावा भी किसी और की हाइट इस तरह की भी है कि बस आप? परिवार में जो है तो नहीं थी, हमारे नाना जी 7 फीट 6 इंच के थे और ये बहुत अच्छी हाइट होती है। मेरी माँ भी लंबी थी, अब नहीं रही। आपकी डाइट क्या है? हमारी डाइट बहुत नॉर्मल है, सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद मैं दोपहर 2 बजे करीब खाना खाता हूँ। साधारण सिंपल खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत, फिर रात में। आपके परिवार के बारे में बताइए, कुछ में कितने सदस्य हैं आपके घर में? परिवार में हम 2 भाई 3 बहन हैं और सभी की शादी हो गई है, सबके अपनी अपनी फैमिली अपना परिवार है और सभी जो है वेल सेटल्ड हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एसआई हैं, मतलब पूरा परिवार सरकारी सर्विस में है। ये हाइट की वजह से आपको जो लाभ मिल रहा है, मतलब जो सुविधा मिल रही है ये, और हाइट की वजह से ही आपको कुछ परेशानियां भी हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। परेशानियां खैर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। और मैं एक परिश्रमी आदमी हूँ, परिश्रम करता हूँ, सारा दिन मैं दौड़ धूप के अपनी एक्टिविटीज़ बनाए रखता हूँ और किसी प्रकार की कोई। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।